हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेकंड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बार्स इन सीरीज। टॉपिक से स्टार्ट, बार्स इन सीरीज में देखिए इस तरीके से जो बार ली जाएं, डायग्राम देखिए जरा ध्यान से, एक ये बार है एक ये बार है, इनके डायमीटर भी इक्वल हैं और लेंथ लेकिन डिफरेंट है। एक्सिल लोड लगा रखा है आपने दोनों साइड पी और इधर भी पी, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा E1 और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2। अगर कोई दो बार सीरीज में है तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी ये सब फॉर्मूलाज अप्लाई करने की। पहली कंडीशन देखिए क्या है, डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ ऑफ बार इज कम्युलेटिव। डिफॉर्मेशन या फिर आप क्या कहें डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ यानी लंबाई के अंदर कितना चेंज आएगा अगर हम एक्सियल लोड लगाएं, तो वो क्या रहता है कम्युलेटिव रहता है। कम्युलेटिव मतलब जुड़ता है, यानी इसका इसका एन नंबर ऑफ बार, जितने भी आप बार यूज करेंगे तो उसकी टोटल एलोंगेशन कितनी आएगी फर्स्ट वाली बार की प्लस सेकंड एंड सो ऑन, सभी एलोंगेशन उसको जोड़ दीजिए टोटल एलोंगेशन आपकी निकल के आ जाएगी, तो ये कम्युलेटिव। इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड देखिए, एक्सियल लोड्स आर इक्वल एंड लाइक इन नेचर। ये जो एक्सियल लगा रखा है इसको प्योर एक्सियल लोड बोलते हैं, इस एक्सिस से होता हुआ ये गुजरता है, ठीक है। प्योर एक्सियल लोड अगर यूज होगा आपका तो ये क्या रहेगा इक्वल रहेगा और लाइक इन नेचर। इक्वल मतलब अगर यहाँ पी है तो यहाँ भी पी मैग्नीट्यूड रहेगा उसका, अगर ये 10 न्यूटन है तो इधर भी 10, इधर 20 है तो इधर भी 20, यह है इक्वल का मतलब। और लाइक का मतलब अगर एक साइड टेंसाइल लग रहा है तो दूसरी साइड भी टेंसाइल लगेगा, ये टेंसाइल लोड है बेटा, इस क्रॉस सेक्शन पे इस तरीके से खींच रहा है इसको बाहर की तरफ, पुल टाइप लोड, ये भी पुल टाइप लोड है, तो ये कैसा हो गया लाइक इन नेचर। ये अनलाइक भी हो सकता था अगर ये बाहर की तरफ हो और ये अंदर की तरफ हो, यानी ये टेंसाइल हो और ये कंप्रेसिव हो, तो इसको हम अनलाइक बोलेंगे। तो P1, P2, P3 जितने भी आपके लोड लग रहे होंगे बार के ऊपर वो सभी क्या रहेंगे लाइक रहेंगे और इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो चाहे इस क्रॉस सेक्शन की बात करें यहाँ पे, चाहे इस क्रॉस सेक्शन की बात करें, दोनों पे ही जो स्ट्रेस लगेगी वो एक्सियल स्ट्रेस लगेगी, यानी एक्स डायरेक्शन में रहेगी आपकी P/A, क्योंकि डायमीटर भी इक्वल है तो एरिया इक्वल ही निकलने वाला है और लोड भी इक्वल, यानी दोनों स्ट्रेस क्या रहेंगी हमारी इक्वल रहेंगी। लेकिन जब बात करेंगे एलोंगेशन की, एलोंगेशन टोटल एलोंगेशन निकलेगी इसकी और इसकी, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एलोंगेशन का P L1/A E1। अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका, P जो लोड लग रहा है, L1 इस बार की लेंथ, A इसी बार का एरिया और E1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस वन बार, सिमिलरली सेकंड का जोड़ देंगे। अगर कोई दो बार एंड टू एंड ज्वाइन हो, एंड टू एंड यानी इसका सिरा और इसका सिरा यहाँ अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसको सीरीज में बोलते हैं, अगर सरफेस टू सरफेस ज्वाइन है तो उसको बार्स इन पैरेलल बोलेंगे, जो आने वाले हम वीडियो में पढ़ेंगे। अभी देखिए, अगर बार अंडर प्योर एक्सियल लोड है तो एलोंगेशन PL/AE रहती है, जो फॉर्मूला हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है ये इसी फॉर्मूले का यहाँ पे वैल्यू गिवन है। आपसे पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो या एग्जाम हो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो डेल्टा एल क्या रहता है PL/AE, यानी एलोंगेशन कितनी आएगी इस बार के अंदर, जितना लोड लगेगा, लेंथ, एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, देखिए स्ट्रेस क्या होती है लोड अपॉन एरिया, एलोंगेशन यानी स्ट्रेन क्या रहती है डेल्टा एल बाय एल, तो हम क्या करेंगे हुक्स लॉ लगाएंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन, दोनों की वैल्यू पुट कर दी है, इधर स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दी P/A और एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू निकाली तो PL/AE, इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है, इसी फॉर्मूले को फिर इसने फर्दर यहाँ पे यूज करके दिखा दिया है। तो ये तो है बार्स इन सीरीज का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। अब देखिए, अगर आपकी बार, ठीक है, अगर आपकी बार जिसकी लेंथ L है और अगर वो टेपर्ड बार हो, टेपर्ड बार देखिए टेपर्ड बार कैसी होती है, टेपर्ड बार रहती है एक एंड पे डायमीटर ज़्यादा रहेगा, दूसरे एंड पे डायमीटर कंपैरेटिवली कम रहेगा। अगर इस एंड पे डायमीटर D2 है और इस एंड पे डायमीटर D1 है, ये एक्सियल लोड लग रहा है आपका P और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा E, जो मटेरियल है उसी का वही E की वैल्यू हमने ले लेनी है, एग्जाम में गिवन होगी ये, इसकी लेंथ है L। तो देखिए, तो एलोंगेशन जब हम डेरिवेशन से निकालेंगे तो वो आएगा, टेपर्ड बार बोलते हैं इसको, 4 PL/π D1 D2 E,
ठीक है, अगर यही बार हमारी प्रिज्मेटिक हो, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा भी है, इससे पिछले पेज में ही पढ़ा था, एक्सियल लोड लग रहा है लेकिन बार प्रिज्मेटिक है, यानी उसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। अब ये बार है, मान लिया इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो थ्रू आउट द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और सेम डायमीटर है, ये नहीं है प्रिज्मेटिक। इसको आप यहाँ से कट करेंगे तो अलग डायमीटर मिलेगा, यहाँ से कट करेंगे तो अलग डायमीटर मिलेगा, तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेंगे, तो वो प्रिज्मेटिक नहीं है, ये प्रिज्मेटिक है। इसका डायमीटर डी है, लेंथ एल है, एक्सियल लोड पी है और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ई है। इस बार को क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, यूनिफॉर्म भी बोल देते हैं कभी कभी। तो डेल्टा एल इसका अगर निकालेंगे प्रिज्मेटिक बार का, ये पी बी का मतलब क्या है, प्रिज्मेटिक बार, ये आएगा 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। ये कैसे आया, PL अपॉन AE था ना, PL अपॉन AE। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दिए है अगर सर्कुलर बार है तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, इस करके ये फॉर्मूला आएगा 4PL पाई डी स्क्वायर ई नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पाया, इसकी एलोंगेशन निकाली टेपर्ड बार की और प्रिज्मेटिक बार की निकाली। अगर ये डी स्केयर की वैल्यू, ये डी स्केयर की वैल्यू D1 D2 के बराबर हो जाए तो दोनों ही एलोंगेशन आपकी सेम हो जाएंगी, यानी डी स्केयर अगर D1 D2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाए तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो यहाँ अंडर द रूट कर लेंगे, अंडर द रूट D1 D2, स्मॉल डी की वैल्यू आ गई D1 D2 अंडर द रूट, तो एलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, एलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार एलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार के इक्वल हो जाएगी अगर ये स्मॉल डायमीटर डी D1 D2 के अंडर द रूट वाली वैल्यू के बराबर हो जाए। तो इसको टेक्निकल टर्म में कैसे बोलेंगे, एलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, एलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर एक्सियल लोड, ये एक्सियल लोड है, इज इक्वल टू एलोंगेशन ऑफ आइडेंटिकल टेपर्ड बार। आइडेंटिकल टेपर्ड बार मतलब कैसे, जिसकी लेंथ बराबर है, ठीक है ना, लेंथ बराबर है, एक्सियल लोड पी लग रहा है और आइडेंटिकल टेपर्ड बार अंडर सेम एक्सियल लोड, देखिए सेम एक्सियल लोड इधर भी पी और इधर भी पी है, तो व्हेन डायमीटर ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डायमीटर, इस चीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, यानी मेरी प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर अगर ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर ऑफ टेपर्ड बार के इक्वल हो जाएगा, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, D1 D2 अंडर द रूट को ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगा तो दोनों की एलोंगेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है, तो बोल देगा आपके एग्जाम में एक बार है मेरी प्रिज्मेटिक, उसके ऊपर एक्सियल लोड लग रहा है, अगर मैं एक सिमिलर ऐसे ही टेपर्ड बार यूज करूँ जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर एक एंड पे D2 है दूसरे एंड पे D1 है, तो उसकी एलोंगेशन के अंदर क्या फर्क आएगा, एलोंगेशन जो होगी वो इक्वल कब होगी, कंडीशन पूछेगा आपसे, ज्योमेट्रिक मीन का ऑप्शन होगा उस पर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये है मेरा एलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। अब देखिए, अब आएगा बार, आपने सीरीज में तो पढ़ ली, अब देखिए बार्स इन पैरेलल, पैरेलल में कब होती है, इस एंड को हमने कर दिया फिक्स, ये बाहर वाली बार है ब्लू कलर की, रेड वाली बार है इसके अंदर, अंदर वाली जो बार है वो सॉलिड है आपकी और बाहर वाली क्या है, होलो है, यानी एक बार के अंदर दूसरी बार हमने डाल दी है, तो यूं कहें कि बाहर वाली जो है मेरी कॉपर की ट्यूब है और अंदर वाली रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है वो स्टील की बार है और आपका इस तरीके से लोड लग रहा है पी एंड बी पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, ऊपर वाला फिक्स है तो P1 P2 अगर आपके दो लोड लग रहे हैं तो ऐसी बार होगी हमारी बार्स इन पैरेलल, यानी जिसके अंदर सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट में है। अगर ये मेरी पेंसिल है, अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से एक ट्यूब के अंदर डाल दूं इसको, तो ये पूरा सरफेस मेरा क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ये रेड कलर वाला इस हैचिंग के संपर्क में रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, ऐसी बार को बोलते हैं बार्स इन पैरेलल। यहाँ पे ये देखा गया है कि जो एलोंगेशन पहले वाली बार में आएगी वही दूसरी वाली बार में आएगी और वही टोटल एलोंगेशन होगी, यानी लेंथ बराबर है दोनों ही बार्स की, तो जो एलोंगेशन इसके अंदर आएगी वही एलोंगेशन इसके अंदर आएगी, ये बार्स इन पैरेलल के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, और जो लोड रहता है आपका, लोड जो ये लोड ग्राफ पी, ये कम्युलेटिव होता है यहाँ पे P1 P2, जितने भी आपके ऊपर की तरफ लोड लगे मिलेंगे एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, वो इस अप्लाइड लोड के बराबर होंगे, एन नंबर ऑफ लोड अगर है। अगर आपको लोड पी गिवन हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर और हम अगर हमें P1 P2 P3 इस तरीके से फाइंड आउट करने हो, तो P1 बाय P2 का रेशो रहता है आपका A1 E1 A2 E2, क्योंकि लेंथ आपकी बराबर है। ठीक है, तो लेंथ से लेंथ तो कट जाएगी, लेंथ की तो लिखने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन के अंदर,
तो लोड तो मैंने बता ही दिया था कम्युलेटिव है, तो ये दोनों चीज़ें आपको रिलेशन यूज़ करनी है, जो वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप निकाल लीजिए। एलोंगेशन क्या रहेगी, चाहे P1L1 अपॉन A1E1 लीजिए, चाहे एलोंगेशन P2L2A2E2 लीजिए, वो इक्वल आएंगी, ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर एक और भी चीज़ आ सकती है, अगर दोनों की ही स्ट्रेस गिवन हो, σ1 σ2 अगर आपको गिवन है, तो कभी कभी क्या करता है, σ1 बाय σ2 का आपको रेशियो पूछता है, तो वो रहेगा आपका मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल। ठीक है, अगर स्ट्रेस 1 बाय स्ट्रेस 2 पूछ लिया जाए तो दोनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर σ1 है तो इधर भी E1 आएगा, इधर σ2 है तो इधर भी E2 आएगा। और अगर टोटल एलोंगेशन पूछी जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो PL अपॉन A1E1 प्लस A2E2 दोनों को आप नीचे की तरफ जोड़ दीजिएगा, क्योंकि लोड तो आपका इक्वल है ही, लेंथ बराबर है, तो डिफरेंट क्या हो सकता है, A1E1। E1 तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो वो तो होगा ही होगा। और एरिया डिफरेंट किस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये डायमीटर, इनर डायमीटर और बाहर वाली बार का डायमीटर अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये है बार्स इन पैरेलल। अब जो आपका टॉपिक आने वाला है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने एग्जाम के अंदर इसका बहुत रोल है, और आने वाले और सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसी डायग्राम के ऊपर बहुत कुछ टॉपिक्स आपके डिपेंड करेंगे, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से जरूर पढ़ें। तो देखिए डायग्राम है किस तरीके से, ये कर्व है बेटा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस डायग्राम को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है अंडर टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट होगा परफॉर्म किसके ऊपर, डक्टाइल मटेरियल के ऊपर। अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर या इंटरव्यूअर कि भाई स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना है, सर मटेरियल कौन सा है। ठीक है, डक्टाइल है या ब्रिटल है। ब्रिटल का डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डक्टाइल का करेंगे। तो जब बोर्ड कहे कि डक्टाइल मटेरियल का बना के दिखाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, बिना सोचे समझे ड्रॉ करना शुरू कर देना नहीं है। ठीक है, तो पहले आप मटेरियल पूछिए, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर खास बात क्या है कि वाई एक्सिस पर रहता है मेरा स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर रहती है मेरी स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज आपको बताना है, यानी आप क्या करेंगे, एक डक्टाइल मटेरियल लेंगे, सैंपल प्रिपरेशन होता है आपका, सैंपल प्रिपरेशन हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल MS है। ठीक है, माइल्ड स्टील आपने यूज़ किया, तो सैंपल प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से रहता है आपका। ठीक है, सैंपल प्रिपेयर आप कैसे करेंगे, इस तरीके से एक लंबी बार लेंगे और बीच में थोड़ी सी नेकिंग प्रोवाइड करते हैं आप। ये मैं जानबूझ के थोड़ी नेकिंग ज़्यादा दिखा रहा हूँ, इतनी नेकिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से सैंपल प्रिपेयर करते हैं हम अपने मटेरियल का। और UTM मशीन, यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है, जिसके ऊपर टेंसाइल टेस्ट भी होता है और आपका कंप्रेसिव टेस्ट भी होता है, शीयरिंग भी हो सकता है, तो UTM मशीन के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म रहता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो क्या क्या स्टेजेस आती हैं मटेरियल के अंदर जब हम लोड अप्लाई करते हैं, उसके बारे में ये ग्राफ है। देखिए स्ट्रेस वाई एक्सिस पे हो गया, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। तो देखिए ओ पॉइंट से शुरू करते हैं, जब शुरू में हम लोड अप्लाई करना शुरू करेंगे बार के ऊपर, एक एंड को फिक्स करेंगे, दूसरे को पुल करेंगे, एक्सियल लोड अप्लाई करेंगे, तो ओ से लेके ए पॉइंट तक ये देखा गया है कि मेरा कौन सा रीजन है, इलास्टिक रीजन चल रहा है। ओ से लेके ए तक क्या है मेरा, इलास्टिक रीजन है, यानी स्ट्रेस जिस रेट से बढ़ रही है, स्ट्रेन भी उसी रेट से बढ़ रही है, यानी हुक्स लॉ जो आपका ओबे होगा वो कहाँ तक, इस रीजन के अंदर ही होता है। इलास्टिक लिमिट्स के अंदर क्या रहता है आपका, हुक्स लॉ ओबे होता है। तो ये ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ए पॉइंट कौन सा है, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं इसको, मैं लिखना भूल गया था, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक, यानी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही हम और लोड अप्लाई करते हैं, ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे तो मटेरियल कहाँ चला जाएगा आपका, इलास्टिक रेंज के अंदर। अभी भी इलास्टिक रेंज में ही था, लेकिन बी पॉइंट वो पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है जहाँ मेरी इलास्टिक रेंज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इलास्टिक रेंज आपकी रहती है बी पॉइंट तक, इसीलिए बी पॉइंट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, याद रहे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ए और बी पॉइंट को बहुत नज़दीक दिखाते हैं, बिल्कुल पास पास, आपको ग्राफ समझने में ईजी रहे, इसलिए मैंने इस ग्राफ में ए और बी पॉइंट को थोड़ी दूरी पर दिखाया है। ठीक है, तो बी पॉइंट जैसे ही आएगा, बी पॉइंट के बाद अगर आप फर्दर लोड अप्लाई करते हैं तो
तो स्ट्रेस आपकी थोड़े से ज्यादा रेट से बढ़ती है एज कंपेयर टू स्ट्रेन। और सी पॉइंट आता है मेरा अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। और फर्दर आप लोड अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस आपकी एकदम से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और स्ट्रेन क्या रहती है मेरी, कॉन्स्टेंट। यानी बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक के रीजन को हम बोलते हैं इलास्टो प्लास्टिक रीजन। बी तक क्या था मेरा, इलास्टिक रीजन था, बी तक क्या था, इलास्टिक रीजन था, इसीलिए इसको इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं। बी से लेके सी तक मेरा है इलास्टोप्लास्टिक, यानी आधा इलास्टिक आधा प्लास्टिक, ठीक है। यानी बी पॉइंट के बाद क्या, बी पॉइंट से पहले पहले क्या हो रहा है, अगर हम जितना लोड अप्लाई किया है उस लोड को हटा लेते हैं तो हमारी बॉडी अपनी पुरानी शेप में आ सकती है, लेकिन बी पॉइंट जैसे ही क्रॉस होगा तो हो सकता है आपकी बॉडी अपनी पुरानी शेप में ना आ पाए, अपने साइज और शेप को रिगेन ना कर पाए। लेकिन कंप्लीटली प्लास्टिक रीजन शुरू होता है सी पॉइंट के बाद। यानी सी पॉइंट जैसे ही आएगा आपका मटेरियल के ऊपर से, जैसे ही आप लोड रिमूव करेंगे, मटेरियल अपने पुराने वाले यानी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आ पाएगा, इसीलिए इसको कंप्लीटली प्लास्टिक रीजन बोला जाता है। तो डी पॉइंट है मेरा लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और डी से लेकर ई तक इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में दिखाना होता है आपको, डी से लेकर ई तक क्या है, यील्डिंग ऑफ मटेरियल एट कांस्टेंट स्ट्रेस, यील्डिंग ऑफ मटेरियल एट कांस्टेंट स्ट्रेस, राइट। तो यील्डिंग ऑफ मटेरियल कांस्टेंट स्ट्रेस होने के बाद ये देखिए स्ट्रेस कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेस कांस्टेंट है, ये लाइन स्ट्रेट हो गई है ऑलमोस्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यील्डिंग रीजन बोलेंगे। जैसे ही ई पॉइंट आया, ई पॉइंट के बाद आपका रीजन शुरू होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। अगर आप फर्दर लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस के इंक्रीज होने का रेट, ग्राफ को देखिए ध्यान से, स्ट्रेस के इंक्रीज होने का रेट क्या है, बहुत रैपिड है, बहुत तेजी से बढ़ती है आपकी स्ट्रेस, और स्ट्रेन उतने रैपिड रेट से नहीं बढ़ती है। और एक पॉइंट आता है आपका जिसको बोला जाता है एफ पॉइंट। हमने प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन जब कंसेप्ट पढ़े थे, कि आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी मटेरियल कितना लोड, सॉरी कितना स्ट्रेस विदस्टैंड कर सकता है विदाउट फ्रैक्चर, ये था वो पॉइंट एफ, जब हमने स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ी थी। एफ पॉइंट जो है, एफ पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस इन टेंशन पॉइंट, यानी एफ पॉइंट पर जितनी स्ट्रेस रहेगी उसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस इन टेंशन। यानी एफ पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट भी बोल दिया जाता है इसको कभी कभी, लेकिन आप याद रखें अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, राइट। एफ पॉइंट के बाद अगर आपने फर्दर लोड अप्लाई किया तो नेकिंग आनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, ये जो रीजन है ये पतला होना शुरू हो जाएगा आपका। और एफ पॉइंट के बाद जी पॉइंट कभी भी आ सकता है, जी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, मटेरियल दो भागों में टूट जाएगा आपका, ठीक है। जोरदार आवाज होगी अगर यूटीएम पे मशीन पे आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो यहां से हमें स्ट्रेन की प्रैक्टिकल वैल्यू मिलती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो पढ़ी थी वो थी स्ट्रेन की थ्योरेटिकल वैल्यू, अगर आपको निकालनी हो, अगर आपके पास प्रैक्टिकली मशीन नहीं है, थ्योरेटिकली वैल्यू आपको निकालनी है तो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स की मदद से निकलती है, लेकिन अभी हम कहाँ निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकली, ठीक है। एफ पॉइंट के बाद जी पॉइंट कभी भी आ सकता है, ये है मेरा ब्रेकिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है इस ग्राफ के अंदर, कि अगर सी पॉइंट के बाद ये जो रोटेड मैंने दिखाया है ग्राफ, इस तरीके का अगर ग्राफ मिलता है तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन कर्व। अगर आपको एग्जाम में ये ड्रॉ करनी है तो सी पॉइंट के बाद इस तरीके से दिखा दीजिएगा, ये ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन कर्व कहलाती है। लेकिन इस कर्व के बारे में जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। इस कर्व के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये कर्व है फॉर डक्टाइल मटेरियल, राइट, डक्टाइल मटेरियल के लिए है ये, सिर्फ ब्रिटल के लिए ये कर्व नहीं है, ठीक। तो यहाँ मेरा